उत्तर प्रदेश के मथुरा में एसएसपी बबलू कुमार के निर्देश अनुसार गोविंद नगर पुलिस स्वाट टीम और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ने पकड़े 5 शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरे। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली गोकुल रेस्टोरेंट के पास मोटरसाइकिल सहित 5 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनके पास अवैध असला है, बड़ी वारदात करने की फिराक में है। तीनों टीमों ने छापा मारकर 5 व्यक्तियों को पकड़कर थाने ले आई। कड़ी पूछताछ करने पर कई लूट और चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ। थाना गोविंद नगर के अंतर्गत आनंद गार्डन मसानी रोड से यूपीएससी AK 6211 क्रेटा सफेद कार ड्राइवर सहित लूटी थी। अनेक चोरी और लूट मगोरा शेरगढ़ वृंदावन गोविंद नगर के अंतर्गत हुई थी, जिनके पास से मोबाइल, लूट के 10,000 रूपए, एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। और एसएसपी बबलू कुमार ने टीमों के सराहनीय कार्य पर 25,000 इनाम दिया है। पेश है मथुरा के संवाददाता धर्मेंद्र सक्सेना की खास रिपोर्ट। देखिए, जनपद की स्वाट टीम, क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम और थाना गोविंद नगर की टीम को एक अंतर्राज्यीय लुटेरे को गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन गैंग के मेंबर्स ने गोविंद नगर में विगत 10 तारीख को एक क्रेटा गाड़ी को लूट लिया था, जिसको बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इन्हीं गैंगों ने मोगर्रा थाने में 2 घटनाएं 15 नवंबर को और 10 दिसंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके लूटे गए माल बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ इनके पास से मोटरसाइकिल और तमंचे और जो लूटी हुई मोबाइल है वो भी बरामद की गई है। एक बहुत ही एक्टिव गैंग जो हमारे मोगर्रा, गोवर्धन और सिटी के क्षेत्र में एक्टिव थे, उसको जो है पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त हुई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को जो है 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया।